आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि अल्फा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन अदर रूट इज गिवन बाय, ये अपने पास ऑप्शन है। तो देखो हम क्या करते हैं ना कि इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 4x स्क्वायर और प्लस में कितना है 2x और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 है, तो सीधा 4 से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac और ये अंडर रूट में डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a होता है, ठीक है। यहाँ पर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू 0 ऐसा टाइप का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारा 2 के इक्वल है और c की वैल्यू कितनी है माइनस 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 2, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 2 है, और प्लस माइनस में b का स्क्वायर मतलब 4 और माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है अपनी 4 है और c की वैल्यू माइनस 1 है और ये अंडर रूट में होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई होगा मेरा 2 इंटू में a की वैल्यू अपनी 4 है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा मेरा माइनस में 2 और प्लस माइनस में, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 4 20, ठीक है। और 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू में 4 लिख सकते हैं और ये अंडर रूट में डिवाइडेड बाई यहाँ अपना है 2 इंटू में 4 है, ठीक है। चलो तो देखो इस 4 को बाहर लेके आएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 प्लस माइनस में ये 2 बाहर हो गया, अंडर रूट में 5 बच गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया 2 इंटू में 4 और ये x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 से डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअली, 4 को ऐसे नीचे ही रहने देंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस में अंडर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई है, तो यही तो रूट है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1 प्लस अंडर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करते हैं ना, इस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं कैसे, इसमें रख रख के देखते हैं कि वो बीटा की वैल्यू आता है कि नहीं। तो अगर अल्फा मेरा ये है तो बीटा मेरा क्या होगा, माइनस वन माइनस में अंडर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू इसमें रख कर चेक करते हैं कि बीटा की वैल्यू आता है कि नहीं। तो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, माइनस में 2 अल्फा माइनस में 1, माइनस में 2 अल्फा माइनस में 1, ठीक है। चलो ये बीटा इज इक्वल टू आना चाहिए, तो देखो माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 2 इंटू में अल्फा की वैल्यू ये है, इसको भी रख देते हैं, चलो तो माइनस 1 और प्लस में कितना अंडर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस में 1, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ से ये इस 2 को काट दूंगा तो यहाँ पर आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर देखो माइनस 1 और प्लस में अंडर रूट में 5 है, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस में 1 कितना हो जाता है 1, तो 1 प्लस में अंडर रूट में 5 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और बीटा की वैल्यू कितनी आनी थी, माइनस 1 माइनस में अंडर रूट में 5 डिवाइडेड 4, तो ये तो नहीं आए ना, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। चलो अब सेकेंड वाला देख लेते, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 ये होना चाहिए बीटा का इक्वल, अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो देखो 4 इंटू में अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट में 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना 4 है, ठीक है। तो इसका करेंगे स्क्वायर और प्लस में करेंगे अल्फा, मतलब अंडर रूट में 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस में 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 इंटू में ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और माइनस में 2 अंडर रूट में 5 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 तो यहाँ से चला जाएगा और प्लस में कितना है अंडर रूट में 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, ठीक है। चलो तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 4 एलसीएम ले लिया तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 6 माइनस में कितना 2 अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 5 माइनस 1, ठीक है, ये भी हो गया और यहाँ माइनस में 4 हो जाएगा। चलो तो देखो आंसर कितना आएगा, देखो ये माइनस में 2 अंडर रूट में 5 और प्लस में अंडर रूट में 5, तो ये तो माइनस में अंडर रूट में 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या है माइनस 1 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस में 5 और 6 माइनस में 5 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 माइनस में अंडर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 4। तो बीटा की वैल्यू ये थोड़ी है,
बीटा के वैल्यू क्या है? देखो बीटा के वैल्यू है हमारा दोनों माइनस होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं सही है, तो सेकंड वाला भी ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। चलो अब थर्ड वाले का देखते हैं, 4α³ - 3α, तो 4α³ - 3α, तो यहाँ से अगर मैं अल्फा कॉमन कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 4α² और माइनस में कितना 3 हो जाएगा, और ये अल्फा बाहर है, ठीक है। चलो अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं और अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, तो 4α² की वैल्यू देखो कितना आया था, यही वाला है, 4α² का वैल्यू कितना आया था, देखो 6 माइनस में 2√5/4 आया था, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 माइनस में 2√5/4 कितना था, 4 आया था, ठीक है, और माइनस में 3 करना पड़ेगा और इंटू में क्या करना पड़ेगा, 5√1/4, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। चलो तो अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं इसकी यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ तो 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 6 माइनस में 2√5, और माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, और 5√1/4 हो गया, ठीक है। चलो तो देखो 6 माइनस में 12 कितना होता है, माइनस में 6, और माइनस में 2√5/4, और इंटू में क्या, 5√1/4, ठीक है, तो माइनस इसमें से कॉमन कर लूँगा तो, और इवन माइनस 2 कॉमन कर लूँगा तो कितना आएगा, माइनस 2 कॉमन करने पर आएगा यहाँ पर 3, और प्लस में 5√4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5√1/4, ठीक है। चलो तो अब मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि बीटा के इक्वल आता है कि नहीं, तो यहाँ से देखो ये 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2√4 कितना होता है, 8 होता है, तो माइनस में 1/8 को बाहर रखते हैं, 3 का इन दोनों के साथ करेंगे तो देखो 3√5 माइनस में 3 आएगा, ठीक है, और 5√ का इन दोनों के साथ करेंगे तो देखो ये तो 5√5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और माइनस में 5, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर देखो 3√5 माइनस में 5, तो ये हो जाएगा 2√5, और 5 माइनस में 3 ये कितना होता है, 2 के इक्वल होता है, ठीक है, तो ये हो गया अपना 2 के इक्वल, और यहाँ पर माइनस में 1/8 है ही, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ दोनों में से तो कितना आएगा, माइनस में 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन होकर काट देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये बचेगा 5√1, ठीक है, या यूं कह लो अंदर मल्टीप्लीकेशन करके लिख देंगे तो -1 और -√5/4, तो ये तो है बीटा का इक्वल, ठीक है, इसका मतलब अपना सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब ये वाला भी देख लेते हैं, 4α² और माइनस में 3α, तो 4α² की वैल्यू हमारी कितनी थी, 4α² की वैल्यू देखो हमारी ये थी 6 माइनस में, नहीं ये थी 6 माइनस में 2√5/4 थी, तो 6 माइनस में 2√5/4, 4α² माइनस में 3√α करना है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू थी 5√1/4, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो दोनों सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो 6 माइनस में 2√5, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 3 से अंडर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3√5 और प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 6 + 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 5√5/4, तो ये बीटा का इक्वल है क्या, नहीं है, इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सिर्फ ये थर्ड वाला। तो होप आपको समझ में आएगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।